वेलकम फ्रेंड्स, नितिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं इस फिजिक्स क्लासेस में एक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट लेकर के आया हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों ने फिजिक्स और मैथ बहुत पढ़ ली है, आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री में कुछ बेसिक्स बताऊंगा। अगर ये बेसिक्स आपसे नहीं आते हैं तो आपकी केमिस्ट्री जीरो है। तो आज मैं आपको इस केमिस्ट्री के लेक्चर में केमिस्ट्री का सी से लेकर के वाई तक बताऊंगा, दैट मीन जीरो से लेकर के हाई लेवल तक ले जाऊंगा। तो आज आपको इस केमिस्ट्री के लेक्चर में बहुत कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन लोग चलते हैं अपने के लेक्चर की तरफ। और फ्रेंड्स ये भी जानिए, जो मेरा लेक्चर है 9th, 10th, 11th, 12th एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक जेईई नीट एंड ये के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो फ्रेंड्स चलिए अपन लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चलिए अपन लोग जानते हैं केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज अ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले अपन लोग केमिस्ट्री में जानते हैं केमिस्ट्री का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इधर देखिए, केमिस्ट्री सी मतलब कम्युनिटी, एच मतलब हेल्थ, ई मतलब एनवायरमेंट, एम मतलब मेडिसिन, आई मतलब इंडस्ट्री, एस मतलब साइंस, टी मतलब टीचिंग, आर मतलब रिसर्च एंड यू मतलब वाई मतलब यू। तो फ्रेंड आप लोगों ने यहाँ पे केमिस्ट्री का फुल फॉर्म देख लिया है, या फिर आप लोगों को केमिस्ट्री का फुल फॉर्म कुछ लोगों को रट भी गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोगों ने फुल फॉर्म जान लिया है, चलिए आप लोग चलते हैं केमिस्ट्री है क्या। देखिए फ्रेंड्स चलिए आप लोग देखते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन और जानते हैं केमिस्ट्री है क्या। देखिए फ्रेंड्स, केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। जो केमिस्ट्री है वो साइंस की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो यहाँ पे ये लाइन ये कह रही है कि केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम एलिमेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब उनकी विशेषताएं क्या है, कंपोजिशन मतलब कैसे बनते हैं, और यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर मतलब उनके स्ट्रक्चर क्या है, ये केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ ली होगी। अब चलते हैं आगे, देखिए आप लोग जानते हैं अब कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। आप लोग ये देख रहे होंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लेबोजियर। इनका फुल फॉर्म एक नाम और है, मतलब बड़ा नाम एंटोनी लॉरेंस लेबोजियर, ये है अपने फादर ऑफ केमिस्ट्री। और देखिए यहाँ पे जो आपको एक बूढ़े बूढ़े दिख रहे हैं, ये है अपने फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। ये कौन है, प्रफुल्ल चंद्र राय, अपन लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीसी रॉय। देखिए फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में कदम रखने से पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल। अगर आपको केमिस्ट्री का एटम मॉलिक्यूल नहीं आता तो आप केमिस्ट्री कितना भी पढ़ लीजिए आपको बाकी कुछ नहीं आएगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स अब देखते हैं एटम और मॉलिक्यूल क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, एटम इज अ वेट इन पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। जितने भी सब्सटेंस होते हैं, कोई भी सब्सटेंस, उसका वेट इन पार्टिकल मतलब सबसे छोटा पार्टिकल ही एटम कहलाता है। जैसे देखिए मैंने ये पिन लिया है, इसका सबसे छोटा कण मतलब जिन जिन कणों से मिलकर ये पिन क्रिएट हुआ है, सबसे छोटा कण ही अपना एटम कहलाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग ये एटम जान गए होंगे कि एटम क्या है। अब देख लोगों ने एटम को जान लिया है, अब चलते हैं मॉलिक्यूल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ टू या फिर मोर देन टू एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए, जो दो या फिर दो से अधिक एटम के ग्रुप को ही मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एटम वेरी टिनी पार्टिकल, ये देखिए इतने तो इतने छोटा नहीं है, तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इमेजिन करते हैं कितना छोटा। तो मान लीजिए एक एटम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए दो या फिर दो से अधिक एटम ये आपस में जब कंबाइन हो जाएंगे, समझ लीजिए आपस में कंबाइन हो गए तो ये बन गया मॉलिक्यूल। तो फ्रेंड आप लोगों ने मॉलिक्यूल समझ लिया है। अब चलिए फ्रेंड आइए हम लोग जानते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, चलिए आराम से देखते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है। देखिए बिना मटेरियल अंडरगोज अ चेंज, मतलब कि जब कोई मटेरियल इस प्रकार से चेंज होता है दैट वन या फिर मोर न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म, मतलब एक या एक से अधिक कोई सब्सटेंस और मतलब क्रिएट होता है और उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वही केमिकल चेंज कहलाता है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के द्वारा समझेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है, रस्टिंग दिया है, बर्निंग दिया है, डाइजेशन, डिकम्पोजिशन, कुकिंग। यहाँ पे देखिए रस्टिंग मतलब यहाँ पे देखिए कोई भी लोहा जैसे कील ले लीजिए, वो मतलब की एयर के कॉन्टेक्ट में रहते रहते वो रस्टिंग मतलब इसमें जंग लग जाता है, जी अपने लोग का केमिकल बर्निंग। जैसे आज जैसे मैंने एक पेपर लिया उसको जला दिया, वो एक नया फॉर्म मतलब कार्बन बन गया, वो अपन लोग का केमिकल चेंज है। दैट मीन्स इसको अपन लोग केमिकल चेंज को
एक नाम से और बुला सकते हैं इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज एक ऐसा चेंज है जो दोबारा अपने कंडीशन पे नहीं आता है। जैसे समझ लीजिए एक पेपर को मैंने जलाया, वो दोबारा पेपर नहीं बन सकता, इसीलिए उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। डाइजेशन मतलब खाना, मतलब अपन लोग के जो पेट में डाइजेशन होता है फूड का, वो दोबारा उस कंडीशन में नहीं आ सकता, इसीलिए इसको अपन लोगों ने केमिकल चेंज में रखा है। कुकिंग मतलब खाना बनाया, समझ लीजिए आपने रोटी बनाई, उसको दोबारा आटा तो नहीं बना सकते ना, इसीलिए अपन लोग का केमिकल चेंज हो गया। चलिए अपन लोग चलते हैं फिजिकल चेंज की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने केमिकल चेंज जान लिया, चलते हैं फिजिकल चेंज की तरफ। अ चेंज वेयर द कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल इज नॉट चेंज्ड, नथिंग न्यू सब्सटेंस इज मेड। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक ऐसा चेंज कि जो चेंज होने पर उसके कंपोजिशन ऑफ मटेरियल के कंपोजिशन चेंज नहीं होते हैं, वही अपन लोग का फिजिकल चेंज कहलाता है और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। अब एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, आप समझ जाएंगे कि कैसे। यहाँ पे देखिए, जैसे टियरिंग दिया है, राइटनिंग दिया है, ग्रेडनिंग, कटिंग, डिजॉल्विंग का समझते हैं क्या। जैसे आप लोगों ने एक पानी लिया ग्लास में और उसमें नमक डाल दिया और नमक को आप लोगों ने घोल दिया, ये एक फिजिकल चेंज है। रीजन जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दोबारा पानी अपने कंडीशन में आ सकता है। बताओ क्यों कैसे आता है? क्योंकि जैसे आप लोगों ने पानी लिया, अगर आप उसे एनटीपी पर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको बॉइल करेंगे तो पानी उड़ जाता है और नमक अलग बन जाता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए पानी अलग हो गया और नमक अलग हो गया, इसके कारण ये फिजिकल चेंज है। अब चलिए अपन लोग आगे वाले पेज में चलते हैं, वो हमें आपको डिटेल से समझाऊंगा कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग आपको एग्जांपल समझा देता हूँ यहाँ पे कि केमिकल चेंज के एग्जांपल ये कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल कंबशन। देखिए यहाँ पे लकड़ियां जल रही, देखिए जलने के बाद कोयला बन जाएंगे, मतलब दैट मीन्स अपने कंडीशन पे दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए अपन लोग का केमिकल चेंज है। और यहाँ पे देखिए ये एक अमरूद है, ये फल बन चुका, ये दोबारा तो बीज नहीं बनेगा, इसके कारण ही अपन लोग का केमिकल चेंज है। यहाँ पे देखिए डाइजेशन, जैसे खाना हम लोग के पेट में फंस गया, वो दोबारा तो अपनी कंडीशन में नहीं आएगा, इसीलिए अपन लोग का केमिकल चेंज है। अब देखते हैं फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए फिजिकल चेंज का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए मेल्टिंग, दैट मीन जैसे ये देखिए यहाँ पे आइसक्रीम का पिघलना, ये एक फिजिकल चेंज है। रीजन बताऊं कि एक कटोरी में आप आइसक्रीम रख लीजिए, वो पिघल जाएगी, उसके बाद आपको जो पिघला हुआ पानी है उसको आप ले जाके फ्रिज में रख देंगे तो वापस अपने कंडीशन पे आ जाएंगी, इसीलिए हम लोग इसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बॉइलिंग है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे उबल रहा, अगर मैं इसको ढक देता हूँ, ऊपर से रख देता हूँ, तो वो यहाँ से जो बॉइल हो रहा वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, इसीलिए इसको अपन लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। ये देखिए चॉपिंग मतलब काटना, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक कुल्हाड़ी से लकड़ी कट रही, देखिए ये लकड़ी तो कट रही लेकिन अपनी प्रॉपर्टी अपनी कंपोजिशन नहीं चेंज कर रही, चाहे उसको जिस शेप में आप कर देंगे लेकिन वो रहेगी तो लकड़ी, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, इसके कारण अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। अब तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बर्निंग ऑफ कैंडल का एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल है फिजिकल चेंज है, कुछ लोग बोलते हैं जो बर्निंग ऑफ कैंडल है केमिकल चेंज है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल है फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट है इसको अपन लोग बोलते हैं वैक्स। और देखिए जब कैंडल जलती है तो ये हीट के कारण मतलब कि यहाँ से पिघल के नीचे गिर जाता है, इसके कारण ये हो गया फिजिकल चेंज, क्योंकि पिघल के नीचे स्टोर हो जाता है, इसके कारण ये फिजिकल चेंज हो गया। और दोस्तों यानी दूसरी कंडीशन ये है कि जब ये जलता है तो यहाँ से क्या निकलती है H2O, और यहाँ पे मतलब H2 वेपर के फॉर्म में जाता है और यहाँ से CO2 भी वेपर के फॉर्म में निकलता है, इसके कारण ये एक प्रकार का केमिकल चेंज भी हो गया। तो जो अपन लोग का बर्निंग ऑफ कैंडल है वो फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज है भी है। तो फ्रेंड्स आप ये बात समझ गए होंगे कि ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों है। एक बात और जानिए, मान लीजिए कोई आपके सामने दिया जल रहा है, जो आप दिवाली में जलाते हैं, वो सिर्फ बल्ले बल्ले केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें अंतिम में जैसे यहाँ पे देखिए वैक्स स्टोर हो रहा तो उसमें वैक्स स्टोर नहीं होता, इसलिए फ्रेंड्स वो केवल केमिकल चेंज है। फ्रेंड्स चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपके सामने बहुत जल्दी केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 लेके आऊंगा, जिसमें आपको बेसिक्स बहुत सारे और बहुत सारी क्लियरिटी के साथ बेसिक्स बताऊंगा। इस वीडियो को अगर आपने समझे दोबारा बैक करके देखें, क्योंकि जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते तो आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपसे यहीं से विदा लेता हूँ।